Assalamu alaikum guys, so welcome back to a brand new vlog. तो आज हमारे किचन में बनने लगा है पिज्जा ब्रेड सैंडविच. सो चले आपको पिज्जा ब्रेड सैंडविच की रेसिपी शेयर करते हैं. सो लेट्स गो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा ब्रेड सैंडविच. तो उसके लिए हमने ये हमारे पास पाव था चिकन का ब्रेस्ट, उसका हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं. उसके बाद ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, ये एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है, एक बंद गोभी है. उसके अलावा जो हमने चिकन में सॉसेस ऐड करने हैं वो, तो ये जो चिकन हमने रेडी करना है उसके लिए हमने ये सॉसेस ले ली है. चिली सॉस है, सोया सॉस है, ये सॉल्ट है, उसके बाद ये चिकन टिक्का मसाला है, उसके बाद ये जो सब्जियां हैं इनको हमने जब ब्रीक ब्रीक काट लेना है, उसके अंदर हमने ये कॉर्न है वो ऐड कर देने हैं, उसके बाद और पर्स क्रीम ऐड कर देनी है, उसके बाद हमने जो है अपना इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेना है. ये जो है सब्जियों का, चिकन को अलग कर लेना है और उसके बाद फिर आपको बताते हैं. तो इस तरह जो है हमने अपनी बंद गोभी को काट लेना है ब्रीक ब्रीक. तो आप देख सकते हैं हमारे जो बंद गोभी है वो काट चुके हैं. जो अब नेक्स्ट जो है हम अपनी शिमला मिर्च को भी ब्रीक ब्रीक काट लेंगे. ये हमारे पास एक शिमला मिर्च थी, इसको हमने इस तरह ब्रीक ब्रीक काट लेना है. तो इधर जो हमारी शिमला मिर्च है वो भी हमने ब्रीक ब्रीक काट ली है. तो अब जो हम अपना प्याज है एक अदद उसको ब्रीक ब्रीक काट लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं. तो इधर आप देख सकते हैं हमारे प्याज भी कटिंग हो गए, शिमला मिर्च भी और बंद गोभी भी हमारी वेजिटेबल जो हमने कटिंग कर ली है. चिकन को भी हमने जो है कटिंग कर लिया था. तो अब हम जो है चिकन को रेडी करते हैं. आप देख सकते हैं एक फ्राई पैन ले लेंगे अपने चिकन को करने के लिए. उसके अंदर 1, 2 and 3 टेबल ऑयल की शामिल कर देने, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे. इधर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है. अब इसके अंदर हम अपने चिकन के पीसेस शामिल करेंगे. इधर अपने चिकन को 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर अपने ड्राई सॉसेस ऐड करने लगे. ये हमारे पास 1 टेबल स्पून चिली सॉस आ गए. इन दोनों सॉसेस को डाल के चिकन को जो हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लेना है चिकन को. उसके बाद इसमें हमने 1/2 टीस्पून जो है अपना चिली पाउडर डालना है था. ये 1 पिंच जो है अपना हल्दी पाउडर डाल रहे हैं. इसके बाद ये हमारे पास सॉल्ट है, हद पे जरूरत अपना सॉल्ट ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से. उसके बाद ये हमारे पास जो है चिकन टिक्का मसाला है वो ऐड कर देंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए. तो 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको चिकन को कुक कर लिया सारे मसाले बनाए. इधर हमारा चिकन रेडी हो चुका है. तो हम अपने स्वीट कॉर्न है उनको बॉयल कर लेंगे. तो इधर जो है हमने 1 कप जो है पानी ले लिया, उसके अंदर ये हमारे पास 1/2 जो है प्याली वो हमारे पास स्वीट कॉर्न है उनको बॉयल कर लिया. तो इधर जो हमने अपनी जो सब्जियां काटी थी एक बॉल ले लेंगे, उसके अंदर अपनी सारी कटी हुई वेजिटेबल्स डाल लेंगे. इधर जो हमारे स्वीट कॉर्न थे वो भी बॉयल हो चुके हैं. तो हम इन वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. तो इधर जो हमने 5 टेबल स्पून जो है अपनी क्रीम ऐड की है, ये 1/2 टेबल स्पून हमने अपना इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर डालना है. उसके बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना वेजिटेबल्स को. इधर जो है 3 स्लाइस ले लिए हैं, उसके बाद इन तीनों पे हमने थोड़ी थोड़ी केचप डाल ली है. चम्मच लेके उसके साथ स्प्रेड कर लेना सारी केचप को स्लाइसेस पे. इधर जो है हमने अपनी केचप जो डाली थी उसके बाद उनको स्प्रेड कर लिया. इसके अंदर केचप स्प्रेड करने के बाद हमने जो है चिकन ऐड कर देना अपने हर स्लाइसेस में. चिकन डालने के बाद इधर हमने अपने चीज के स्लाइसेस ले लिए. चिकन ऐड करने के बाद एक पीस हमने स्लाइस का और रख देना है. उसके बाद हमने जो अपना क्रीमी मिक्सचर बनाया था इसको ऐड करना है स्लाइसेस के ऊपर. गार्निश के लिए एक एक हमने चीज का स्लाइस अपने स्लाइसेस के ऊपर रखना है.
तो इधर जो है हमने गार्निश के लिए शिमला मिर्च ऐड कर लिया। आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव्स भी यूज करते हैं, इस टाइम मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे तो मैंने इस टाइम बस शिमला मिर्च की गार्निश कर दिया। अब इसको माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। तो अब जो हम अपने स्लाइसेस को अंदर रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे सैंडविच वो रेडी हो चुके हैं। तो ये आप स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा।